हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेन नॉलेज। मैं हूं आपका फ्रेंड सचिन। आज इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले अल्फा टेस्टिंग। तो चलिए जानते हैं कि अल्फा टेस्टिंग किसे कहते हैं। अल्फा टेस्टिंग इज कंडक्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो अल्फा टेस्टिंग होता है वो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंडक्ट होता है एंड टेस्टेड बाई अ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ एंड यूजर्स एट द डेवलपर। और जो हमारे डेवलपर टीम के जो मेन लीडर होते हैं उनके द्वारा वो टेस्ट किया जाता है एंड समटाइम्स बाई एन इंडिपेंडेंट टीम ऑफ टेस्टर। और समटाइम्स क्या होता है कि जो टेस्टर टीम्स होता है, इंडिपेंडेंट टेस्टर टीम होता है, वो भी अल्फा टेस्टिंग को टेस्ट करता है। अल्फा टेस्टिंग इज सिमुलेटेड और रियल ऑपरेशनल टेस्टिंग एट इन हाउस साइड। इसको हम रियल और ऑपरेशनल टेस्टिंग भी कहते हैं। एट इन हाउस का सेंस क्या हुआ कि इसमें जो हमारे डेवलपर टीम्स के ही मेंबर रहते हैं, बाकी यूजर या क्लाइंट्स नहीं रहते, इसलिए इसको हम एट इन हाउस टेस्टिंग भी कहते हैं। इट कम्स आफ्टर द यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग। जो हमारा अल्फा टेस्टिंग होता है, ये यूनिट टेस्टिंग जो हमारा कंप्लीट हो जाता है और इंटीग्रेशन और सिस्टम टेस्टिंग कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद ये टेस्टिंग आता है। अल्फा टेस्टिंग यूज्ड आफ्टर ऑल द टेस्टिंग आर एग्जीक्यूटेड। जो हमारे सभी टेस्टिंग एग्जीक्यूट हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाता है, तो हमारा अल्फा टेस्टिंग आता है। जैसे हम डायग्राम्स देखें तो हमारा फंक्शनल टेस्टिंग का सबसे पहला टेस्टिंग यूनिट टेस्टिंग होता है, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, फिर सिस्टम टेस्टिंग होता है, फिर एसेप्टेंस टेस्टिंग होता है। और एसेप्टेंस टेस्टिंग में फ्रेंड्स हमारा दो टाइप्स होते हैं, अल्फा टेस्टिंग एंड बीटा टाइप्स। तो ये हमारा अल्फा टेस्टिंग आता है। फ्रेंड्स, फर्दर वीडियो में हम यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं, इनमें हम सारी चीजों को डिस्क्राइब किए हैं। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स बीटा टेस्टिंग को भी डिस्क्राइब करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन।